प्लांट बेस्ड फूड, वेजिटेरियनिज्म, ये सब तो काफी पॉपुलर हो गया। एक शब्द जो हम लोग सब बहुत सुनते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि उस मिट्टी में बहुत सालों तक कोई केमिकल ही ना यूज हुआ। आई वुड प्रेफर टू यूज द वर्ड नेचुरल फार्मिंग। तत्वा हिल्स में 4-5 साल हमने खूब एक्सपेरिमेंट किया कि सब उगाओ, एक ही कंडीशन रखा कि केमिकल नहीं यूज करेंगे, कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे, कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज करेंगे। जैविक खेती के विभिन्न प्रिंसिपल्स हैं, तो उनमें से एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग पौधों को एक जगह उगाते हैं ताकि एक का रोग दूसरे में ना चला जाए, या फिर जो पौधा बढ़ रहा है उसको सपोर्ट भी करे। जैसे कि मटर, मटर हमारा लेगुमिनस क्रॉप है, तो क्या करता है, जो आसमान में नाइट्रोजन होता है उसको जमीन में फिक्स करता है, और जो साथ के पौधे हैं उनको हेल्प करता है ग्रो करने में। हमने इसमें लहसुन लगाया हुआ है, लहसुन जो होता है कीटों को रेपेल करता है। हम लोगों ने यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई का अटैक है उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ट्रैप्स बना रखे हैं, जहाँ पे जो फीमेल है वो मेल को अट्रैक्ट करती है और उनको लगता है कि वो फीमेल अट्रैक्ट कर रही है और वो सारे उस डब्बे में फंसते चले जाते हैं, और इस तरह से बिना हम किसी केमिकल वगैरह के यूसेज के हम खेती कर पाते हैं। हम राख का यूज़ करते हैं जो सॉइल की पोरोसिटी को बढ़ाता है, प्लांट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, रूट ग्रोथ में हेल्प करता है। हम जो गोबर यूज़ करते हैं उसका क्वालिटी इंश्योर करते हैं, अच्छे से गला हो, तैयार हो। दूसरा, हम कल्चर का यूज़ करते हैं, ट्राइकोडर्मा हो गया, बायोवेस्ट डिकम्पोजर हो गया, इस तरह के कल्चर जो मिट्टी के गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम स्प्रेइंग और ड्रेंचिंग जीवामृत पंचगव्य का भी करते हैं, जो लहसुन है उसका भी स्प्रे बनाते हैं और पौधों पर छिड़काव करते हैं ताकि जो हानिकारक कीट है हमारे पौधे पर ना लगे। तो जो हम प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है हमें देखना कि हम पॉइजन अपने अंदर ना लें। हमारी जो हल्दी निकल के आ रही है, ब्लैक टर्मरिक, गोल्डन टर्मरिक, वो प्योर निकल के आ रही है। हमारे जो सेव हैं उनका टेस्ट ही अलग है और सेफ है। ये जो तरीका जो हम अपना रहे हैं और जैसे जैसे हमें सक्सेस मिल रहा है, वी वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद एवरीबॉडी। और इस चीज़ को लेके हम अपनी फार्मिंग और अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। Thank you very much.